दिल्ली के लाल किला मैदान में 21 अप्रैल को 2623 व भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं आचार्य विद्यानंद जन्म शताब्दी शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के आशीर्वाद और उनके प्रभावक शिष्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज सहित अन्य दिगंबर संतों के सानिध्य में 21 अप्रैल को 2623 व भगवान महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव एवं आचार्य विद्यानंद जन्म शताब्दी शुभारंभ समारोह का आयोजन 19 से 21 अप्रैल के मध्य किया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित इस महोत्सव की विभिन्न मांगलिक गतिविधियों के साथ आचार्य विद्यानंद जन्म शताब्दी शुभारंभ समारोह के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। समारोह में आगे नन्हे बच्चों ने भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। आयोजन के बारे में महानुभाव ने विस्तार से बताया और सहयोगियों व सहभागियों का आभार व्यक्त किया। इस बार यहाँ लाल किला ग्राउंड पे हमने 26/11 को आचार्य सुनील सागर जी और आचार्य विश्वत सागर जी के सानिध्य में 2650 निर्माण महोत्सव की शुरुआत करी थी। उसी श्रृंखला में पिछले 80 साल से हम यहाँ महावीर जयंती मना रहे हैं लाल किला पे। तो अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत और जैन मित्र मंडल के सहयोग से बनती है। इस बार भी ये 3 दिवसीय प्रोग्राम 19, 20, 21 अप्रैल को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आचार्य सुत सागर जी, आचार्य प्रक सागर जी और आचार्य सुबल सागर जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और इसके लिए हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रभु महावीर के संदेशों को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए पूरे विश्व को वीर प्रभु के संदेशों से मानवता के साथ जीवन को जीने की प्रेरणा दी। एक शिला पीठ पर सिंह के सामने बैठ गए और बोले, हे मृगराज, आज से कितने ही भव पूर्व। समारोह के अंत में भक्तों ने प्रज्वलित दीपों से प्रभु की आरती उतार कर अपने कर्मों की निर्जला की। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।